भगवान होना है। और निश्चित तौर पे आप सबको बताना चाहते हैं कि भगवान को तो हमने नहीं देखा है, लेकिन अपने गुरु को अपने भगवान के रूप में हमने देखा है। और आप इस चीज को मैं बताना चाहता हूं, अगर आपने अपने गुरु को गुरु मान लिया तो आपकी जिंदगी में बढ़ते हुए कदम में कभी रोना नहीं आएगा, और अगर रोना आएगा तो गुरु के आशीर्वाद से रोना हट जाएगा। और आप लिख रहे आया मापदंड को स्थापित करते हुए निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ अग्रसर हो जाए। इस बात को जरूर याद रखना, जैसे आप घर में कहते हो कि पाप पाप होता है, वैसे इस चीज को भी आप जानना कि गुरु गुरु होता है जिसके एक आशीर्वाद से आप जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में टीचिंग का किया होगा, रोहित सर ने भी आपको पढ़ाया होगा, लेकिन इस चीज को याद रखना, जिस तरीके से जब कभी भी मिस्त्री किसी इंजन को खोलता है, अभी हमारे सर जी ने आपको बताया कि रिच और पाने की जरूरत होती है, लेकिन जब भी उसके रिच का बॉक्स देखा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो उसमें छोटी रिच से लेकर के और बड़ी रिच तक होते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। इसलिए आपको इस बात को मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आपको सफल होने के लिए जिस तरीके से थ्योरी का पढ़ना जरूरी है, जिस तरीके से उस मैटर को समझना जरूरी है, उसी के साथ साथ गुरु की कृपा की भी जरूरत है। बिना गुरु की कृपा के आप सफल नहीं हो सकते हैं, आप कितना भी पढ़ लीजिए, इसको नोट करके दिमाग में रखिए। लोग कहते हैं ये चीज मूल्यवान है, लेकिन मैं कहता हूं गुरु बहुत मूल्यवान है। हमारे सर जी ने हमको बताया था कि मनी कैन बाय द बुक्स बट नॉट एजुकेशन, एंड मनी कैन बाय द पेन बट नॉट राइटिंग। पैसे से किताबें खरीदी जा सकती हैं प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ा नहीं जा सकता है, उसके लिए स्कूल जाना पड़ता है, ग्रुप बनाना पड़ता है। पैसे से पेन खरीदा जा सकता है, उससे लिखा तभी जा सकता है जब आप स्कूल जाकर के उस चीज को सीखते हैं। इसलिए अपने जीवन में अगर आपको सक्सेस होना है, इफ यू वांट टू बी सक्सेस, आप सफल होना चाहते हैं, तो सदैव गुरु का सम्मान करना। और जिसने गुरु का सम्मान कर दिया, मैं पूरे भरोसे के साथ आपको बताता हूं, उसका अरमान हमेशा हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा। क्योंकि गुरु तो दुनिया की वह शक्ति है, गुरु तो दुनिया की वह शक्ति है जो अच्छे अच्छे लक्ष्य को व्यक्त देता है। आपने अर्जुन को तो सुना होगा, युधिष्ठिर को तो सुना होगा, सभी लोगों ने एक जगह पर बैठ करके गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा को ग्रहण किया था। लेकिन अर्जुन महान क्यों हुआ? अर्जुन सबसे अच्छा धनुर्धर क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने लक्ष्य के लिए काम किया। ऐसे जिस तरीके से आप अपने घर से निकलते हो एजुकेशन के लिए, आपको इस बात को मैं बता देना चाहता हूं, आपकी आशाएं जो आपके माता पिता होते हैं उनकी आपसे बड़ी आशाएं जुड़ी हुई होती हैं, और वो आपके पढ़ाने के लिए अपने खेत को गिरवी रख देते हैं, एक टाइम कम खाते हैं, एक टाइम की सब्जी कम लाते हैं, जिससे आपके स्कूल की प्रस्तुति हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा कुछ ना कहकर के इतना कहूंगा कि अपने माता पिता के सामने कभी जीवन में अपराधी मत होना, और उस दिन आप अपराधी हो जाएंगे जिस दिन उनकी आशाओं पर आप पानी फेर देंगे। उनसे जो आपका एम जुड़ा हुआ है, उनसे जो आपकी आशाएं जुड़ी हुई हैं, आपका पिता आपसे कहते होंगे मेरा बेटा जब पढ़ करके लायक होगा तब उसकी शादी करेंगे, मेरा बेटा जब पढ़ करके लायक होगा तब हम घर बनवाएंगे, मेरा बेटा जब पढ़ करके लायक होगा तब हम ये काम करेंगे, ऐसी आशाएं उनसे जुड़ी हुई होती है। अगर आशाओं पर होकर आपने पानी फेर दिया, तो इस चीज को याद रखना, ता उम्र आप सुखी नहीं जिंदगी जी सकते हैं, उससे ज्यादा परेशान होकर के आपको जिंदगी जीना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा ना कुछ कहकर के अपनी बातों में मैं यही कहना चाहूंगा, उनकी आशाओं को और अपने लक्ष्य को दोनों को एक साथ रख करके और दिन रात कठिन परिश्रम करके उनके लक्ष्य को पूरा कर देना। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 4 साल की मेहनत और जिंदगी भर का अगर आराम चाहते हो तो आपको बहुत अच्छा एक मौका मिला गुरुदेव के द्वारा, तो शिक्षा अन्य शिक्षाओं के साथ साथ टेक्निकल शिक्षा आपको मिली। टेक्निकल शिक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट, आप सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत तो हमारी शिक्षा है, और आधुनिक शिक्षा से जो भी विद्यार्थी उत्प्रोत होता है उसके पग कभी नहीं रुकते हैं, बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाता है। इसलिए
बाकी हमारे सर जी ने आपको सारी बातें बता दी हैं। पुनः मैं एक बार आप सबसे यही कहूंगा कि मेहनत करना, रोजगार करना, अपने माता पिता और क्षेत्र की आशाओं पर कभी पानी मत फेरना। अगर पानी फेर दिए तो फिर आप समझ जाना आप अपने लिए तो कुल्हाड़ी पैर भी मार ही रहे हो, उनका कुल्हाड़ी फिर चुका है, किसी तरीके से मनुष्य जिंदगी तो जी लेगा, लेकिन आपका क्या होगा ये आपको जानेंगे, आपके बच्चे का क्या होगा ये आपको जानेंगे। इसलिए अखंड प्रतिज्ञा लेकर के दिन रात मेहनत करके अपने माँ बाप की आशाओं को आप तक पूर्ण करें। और इन शब्दों के साथ ज्यादा ना कुछ कह करके बस यही कहना चाहूंगा, अगर मेरे अनुसार बिंदु से आप सबको कहीं भी थोड़ा बहुत अगर समस्या हुई हो, कष्ट हुआ हो, हमें क्षमा भी करेंगे, क्योंकि पीड़ा के सुरों में साज है, पीड़ा के सुरों में साज है, हवाओं के झोंकों में भी राग है, गलतियां माफ करना प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि चमकते चांद में भी राग है।